नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। आज अपने आप को आप लोगों के बीच में आत्मसमर्पण कर रहा हूं। मेरा काउंटर मत करिएगा, मुझको माफ करिए। मेरा काउंटर न करिए, 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 मुझको माफ करिए। मेरा काउंटर न। खबर जनपद मिर्जापुर से। दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुरसंडी में दो पक्षों के मध्य मारपीट व गोली चलने से एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना मिली थी। सूचना पर एसपी अभिनंदन द्वारा फील्ड यूनिट व थाना कोतवाली देहात पुलिस फोर्स के साथ मौके पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया था। उसी क्रम में गुरसंडी पुलिस चौकी को सभी को लाइन हाजिर कर दिया गया था। घटना के संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली देहात में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में पुलिस टीमें गठित कर घटना से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किए गए थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा पूर्व में घटना से संबंधित 4 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत उक्त अभियुक्त के संबंधित 5वें अभियुक्त त्रिनयन दुबे पुत्र राम नारायण दुबे ग्राम दुबे पचेर पोस्ट गुरसंडी ने थाना कोतवाली देहात पर सरेंडर कर दिया। अभियुक्त के निशानदेही पर घटना से प्रयुक्त एक लाइसेंसी शस्त्र SBBL 3 अदद जिंदा कारतूस व 6 अदद खोखा कारतूस को बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय के आदेशानुसार जेल भेजा गया। आइए सुनते हैं कि इस घटना के बारे में क्षेत्राधिकारी सदर अमर बहादुर क्या बता रहे हैं। दिनांक 1/10/24 को एक दुखद घटना हुई थी थाना कोतवाली देहात में, जिसमें 5 व्यक्तियों को नामजद किया गया था। इसके पूर्व 4 लोग गिरफ्तार कर जेल जा चुके हैं। एक व्यक्ति जिसको मुख्य आरोपी बताया जा रहा था, यह बताया जा रहा था कि इसी की गोली से उस व्यक्ति की हत्या हुई थी। उसने पुलिस के खौफ से कल सरेंडर किया है। उसकी आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई है तथा उसी के निशानदेही पे आला कतल SBBL गन को भी बरामद किया गया है। जिसके नाम से ये गन थी उसके विरुद्ध अलग से एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये जो बंदूकें थी वो दूसरे किसी की थी? जी, इनके चाचा के नाम से थी। चाचा जी।